के बीच परीक्षा का भी टेंशन बच्चों के लिए सिरदर्द बन गया है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री सामने आए, राज्यों के साथ केंद्र सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसके बाद जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्रा हैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही आप सभी के लिए। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्र छात्रा हैं तो इन सभी परीक्षार्थियों के लिए ऐसी बड़ी खबर का ऐलान केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार ने किया है जिसको सुनकर छात्र छात्राओं के होश उड़ जाएंगे। आप सभी को बता दें 10वीं और 12वीं सभी छात्र छात्राओं के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार ने ऐसे कड़े नियम बनाए हैं जिनको सुनते ही छात्र खुशी से झूम भी उठेंगे। आप सभी को बता दें सबसे पहले आप भारत के किस बोर्ड व राज्य से बिलोंग करने वाले छात्र छात्रा हैं, कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड व राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं जिससे आपके बोर्ड व राज्य से जुड़ी हुई जब भी कोई लेटेस्ट जानकारी हमें मिलती है तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बताया जा रहा है कि इस बार ज्यादातर छात्रों के 95% बनने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि 4 से 5% ही ऐसे छात्र होंगे जिनको फेल का सामना करना पड़ेगा। अब वो कौन से ऐसे 4 से 5% वाले छात्र, जिनको ऐसा कौन सा रीजन है जिससे इन छात्रों को फेल किया जाए, तो ऐसे छात्रों को क्या करना होगा जिससे वो भी आसानी से टॉपर बन पाए, तो ऐसे छात्रों के लिए हम 2 मिनट में बहुत ही बड़ी खबर का ऐलान करने वाले हैं जिसको सुनते ही छात्र आसानी से अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में वीडियो के अंत में कुछ खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि सरकार का कहना है कि सबसे पहले छात्रों को डेली स्कूल जाकर अपनी उपस्थिति को 95% कर लेना है। इसका ग्रेस मार्क प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा और जो छात्र स्कूल नहीं जाएंगे उनके ही 4 से 5% छात्रों में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की तरफ से यह ऐलान किया है कि फरवरी में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में जो छात्र पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं या उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो ऐसे छात्रों को क्वेश्चन पेपर और अनसॉल्व से पढ़ना शुरू कर दे क्योंकि वे सभी छात्र पास करके आसानी से टॉपर बन जाएंगे। मीटिंग के दौरान यह तय हो चुका है कि सिलेबस से संबंधित सभी जानकारी दी हुई होंगी जिससे छात्र छात्राएं आसानी से बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आप सभी का जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा, सरल से सरल क्वेश्चन को बोर्ड से कमजोर छात्र भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक स्कोर करके आसानी से पास हो सके। दोस्तों सभी बोर्डो का परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है, इसके लिए आप सभी बोर्डो की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से परीक्षा का टाइम टेबल और शेड्यूल आसानी से चेक व डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से सभी बोर्डों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके